जो असी ये मुहिम कर रहे थे तो पिछले महीने ये दरम्यान ही एक नवी चीज़ सामने आई साढ़े सानू भी नहीं पता मीडिया के आई कुछ लोगों ने भी उठाई कि जब आ कि मसला जो अं जमीन उठा रहे हैं जमीन लोगों को छुड़ा रहे हैं तो वो ही उन्होंने दिनों में एक न्यूज़ आ गई कि अल्फा सिटी अपनी जी टी रोड के उत्ते अमृतसर जलंधर जी टी रोड के उत्ते बहुत ही मतलब कीमती थां दे उत्ते वो कलोनी बनी है। ये बारे मैं तुहानू पहला भी उस दिन भी जिस दिन वो वीडियो आई सी उस दिन भी थोड़ी जानकारी दित्ती सी बट फिर भी असी उहदी बरीकी नाल सारा चीज़ां देखणियां चाहुंदे सी फाइलां वगैरह भी ये किदां हो गया और ये बड़ी दुखद गल है अफसोस वाली गल है। मैं तुहानू सारा ये वेरवा भी दिता कि कदों इहदी कार्रवाई शुरू होई सी ये 15 दे विच 25-5-15 नूं जदों ये अल्फा सिटी वालिआं ने उत्थे जमीन खरीदी ते पंचायत जिहड़ी उस समय अकाली दल दी पंचायत सीगी पंचायत कोलों मता पवा के ये जमीन जिहड़ी है खरीदण दी जिहड़ी शुरुआत कीती उस समय अकाली दल दा राज सीगा और ये चलदिआं चलदिआं क्योंकि तुहानूं पता पंचायत ने लिखिआ वीडियो साहब को गया फिर DDPO साहब को गया ADC साहब को गया फिर चंडीगढ़ गया जिन्ना चिर तक डायरैक्टर ते प्रिंसीपल सैकटरी इहदी इजाजत नहीं देंदे मंत्री इहदी इजाजत नहीं देंदा उन्ना चिर तक तुसीं पंचायत की जमीन वेच नहीं सकदे। सो ये फाइल जिहड़ी घूमदी रही जिहड़ी मैं डिटेल तुहानूं दित्ती है कि किहड़े किहड़े टाइम ते की होया और जदों इहदा एंड होया वो मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि बहुत जिहड़े लोग अज गल्लां कर रहे मान सरकार के खिलाफ बोल रहे मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि जदों इहदा लास्ट वेचण दा जिहड़ा आर्डर है वह 11 मार्च नूं होया और सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जिहड़े उस समय मंत्री सीगे 22 और ये जड़िया 2-3 नैतिकता तो मेरी गल ध्यान ना सुनियो 11 मार्च 2022 तृप्त रजिंदर बाजवा जी ने इनू फाइनल किया उन्होंने साइन है मैं फाइल ना लैके आया तुहानू दिखाउण वास्ते ये फाइल जो जाती है जिहड़ा FCR हुंदा डिपार्टमेंट का उत्ते दस्तखत करता फिर जिहड़ा मंत्री है उहनू मतलब जिहड़ा फाइनल करता उहदे तों बाद वापस फाइल आउंदी है 15-3 नूं 4 दिन बाद ही उहदा जिहड़ा आर्डर निकल जांदा उह आर्डर निकल तों बाद मतलब जिहड़ी थल्ले जदों फाइल आई पंचायत को आई उहनां ने मुड़ के 19 तरीक नूं उहदी रजिस्ट्री कीती और मैं जिहड़ी तुहानूं गल कहिणी चाहुंदा जिहड़ी दुखद होया अज तक जो वीडियो देखी जो रोआ पिया कि यह की हो गया 19 तरीक न क्योंकि साड़ी सरकार 16 तरीक न मान साहब ने उठ लै ली सी 19 तरीक न कैबिनेट बनी सी उहदे तों पहला सब नूं पता कि 10 मार्च नूं रिजल्ट आया कांग्रेस की बहुत बुरी तरह हार हुई हार जिहड़ी कांग्रेस ने मन्नी और 11 तरीक नूं सवेरे करीब 10 बजे मानयोग साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के अगवाई च कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग तो बाद चन्नी साहब मतलब जिहड़ा इहदा अस्तीफा कैबिनेट का वो लैके ते गवर्नर साहब को गए और बहुत माड़ी गल हुई कि कैबिनेट अजैन कर दी तुसी 10 तरीक नूं हार गए हो ते उस दिन शाम तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी ने फाइल कढ़ी है ते अकाली दल
साइन किए, उस दिन ही FCR जेडे राहुल पंडारी सी उन्होंने साइन करवाए गए तो तिप्त बाजवा जी ने उन्होंने फाइनल किया। जी नैतिकता तो सब तो घटिया कार्रवाई की कि जो 10 तरीक रिजल्ट आ गए थे कांग्रेस की लक तोड़ दी हार हुई सी, जो अजे अगला जोड़ा पॉइंट है, अगला पॉइंट यह है कि जो फाइल से दस्तखत किए उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा सीगा कि फाइल से दस्तखत नहीं हो सकते, अजे कोड ऑफ कंडक्ट जरा चल रहा सीगा। पर देखो तुसी किड्डा वड्डा एक घपला जरा किया गया कि किदा सुखबीर बादल क्या तो काम शुरू होया, इहदा एंड जरा वो तृप्त रजिंदर बाजवा जी चन्नी जी की सरकार करके गई। सानू जरा ये लूज होया नुकसान होया तुहानू मैं वो दसना चाहुंदा कि उस समय जड़ा एक ता मतलब 7.5 करोड़ रुपये पर एकड़ उस समय रेट सीगा जड़ा सी एसटीमेटेड अंदाजन जड़ा रेट कढ़ाया मार्केट का, यह कोई करैक्ट फिगर नहीं वध घट भी हो सकती है, पर जड़ा सी पर गज के हिसाब न पर स्केयर फीट के हिसाब से रेट कढ़िया मतलब 7.5 करोड़ रुपये नहीं सीगा। और एक होर ये बड़ी टैक्निकल मैं तुहानू सारा लिखिया तुसी पढ़ लियो, कली कली चीज़ लिखी है ये जड़ा सानू इहदा घाटा सरकार नू जड़ा घाटा ते उस पिंड दी पंचायत नू घाटा 28 करोड़ रुपये का कपड़ा होया 28 करोड़ रुपये अंदाजन। अजे तो जो असं इनकुआरी करांगे फिर सब चीज़ां सामने आ जाणगियां। 28 करोड़ रुपया तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी नैतिकता तो गिरी गल करके जो सरकार हर गई रिजल्ट आ गया कैबिनेट रिजाइन कर गई। मेरा सवाल यह कि 11/3/2022 को तृप्त रजिंदर बाजवा जी ने इस फाइल के उत्ते साइन किदा किए, उन्होंने कोई अधिकार नहीं सी उस समय साइन करदा दस्तखत करदा, वो फाइल से साइन करके इनू डन करके गए। सो जिहड़ी चीज़ साढ़े बारे चलो कही गई 19 तरीक न, क्योंकि 19 अप्रैल में मुड़ के रजिस्टर हुई क्योंकि फाइल 5 वापस आई, 5 तरीक न उत्तों दफ्तर तो वापस आई, उन्होंने करद्या पंचायत वाले ने 19 तरीक न रजिस्ट्री कराई। सानू तो उदों पता लगा साडा उहदे नाल कोई तलक वास्ता नहीं सीगा, साडी सरकार आउण तो पहला 16 नू उठ लई मान साहब ने 15 तरीक तक यह फाइल नू डन कर दिता गया सारा, 11 तरीक न कोड ऑफ कंडक्ट दे विच लगे दे विच ते सरकार हारन दे बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर साहब इत्ते साइन करके गए और 28 करोड़ दा सानू ते पंचायत नू जिहड़ा घाटा पिया बहुत वड्डा घाटा पिया है, इहदी असीं जांच कर रहे हां। और दूजी गल कि इह जिहड़ियां जिहड़ी जमीन सी मैं तुहानू उस दिन भी दस्सिया सीगा इह कोई एकड़ां दे विच नहीं सीगी, इह कलोनी अल्फा सिटी वालिआं ने प्राइवेट लोकां कोल जमीन लई सीगी, पर जिहड़े विच पए सीगे जिहड़े रस्ते सीगे रस्तियां दी हमेशा मलकीयत जिहड़ी वह पंचायत उहदी मालकीयत हुंदी है, पंचायत उहदी मालकां दा हक रखदी है। सो पंचायत ने डिसाइड किया जिहड़ी कुल जगह उदों तरता कुल जगह जिहड़ी 4 एकड़ दे लागे बनी, मतलब इह जिहड़ी 41 कनाला बनी पर जिहड़ी रजिस्ट्री होई असीं जांच कर रहे इहदी 32 कनाल ते 16 मरलिआं दी होई, जदों कि जो मता पाया गया जो सारा कुछ लिखा गया उदो मैं तुहानू अज तुसीं सारी पढ़ लिओ मुड़ के इहदे विच एक एक चीज़ लिखी है पूरी, उदो 41 मतलब कनाल सीगी जो रजिस्ट्री हुई उदो 32 हो गई। और यह भी बड़ी दुखद हुई साढ़े चो बहुत तुसीं सियाने पत्रकार थे तुहानू पता होगा कि जो सरकारी जमीन वेखदी है तो जिहड़ा जिले का DC हुंदा उहदी अगवाई दे विच एक प्राइस तय करन वाली कमेटी हुंदी है, और ये उस समय के DC जिहड़े ढिल्लों साहब सीगे वह इहदी प्राइस कांग्रेस के टाइम के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सन उस समय उन्होंने इहदी कीमत तय की, इन्नी घट कीमत तय की। और एक होर गल जो सरकारी जमीन वेचते आपां वो अगलिया गल्लां तुहानू मैं अगले वीक दसूंगा इहदी इनकुआरी मार करती है, जो आप कीमत तय करते हैं मान लो अहमियत है उस चीज़ की वो 6 महीने तक होती है, जे तुसीं 6 महीने पै गए रजिस्ट्री करदिआं वो कीमत दोबारा फिक्स की जाती है, इहदे विच इदां नहीं किया गया। जो DC कर गया सीगा 1.5 साल बाद उस आधार के उत्ते जिहड़ी रजिस्ट्री की, कई कई बहुत नुकते ने जो तुसीं पढ़ोगे किन्नी
मतलब जिहड़ा एक गलत काम होया। सो असी एक जिहड़ी मतलब इहदे लई अपने डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई है, साडे श्री अमित कुमार जी IAS अफसर ने, बहुत ईमानदार अफसर ने, संयुक्त विकास कमिश्नर ने उन्होंने इस कमेटी का चेयरमैन बनाया, और सरदार सरबजीत सिंह संयुक्त डायरैक्टर पेंडू विकास और मैंबर होकर कमेटी के, सरदार जोरिंदर सिंह आलूवालिया साडे कानून अफसर ने डिपार्टमेंट के, तीन मैंबरी इस कांड की पूरी जाँच करूगी, एक किदा किदा रजिस्ट्री हुई, किदा मतलब जिहड़ा तृप्त रविंदर बाजवा जी सहन करके गए, फिर असी इहदे खिलाफ़ कार्रवाई जिहड़ी सख्त कार्रवाई करांगे, क्योंकि असी पहले कमेटी की रिपोर्ट जिहड़ी है इहदे विच की कानूनी नुक्ते की इन्हां ने मतलब किदा हेराफेरी की, और सानू हुण शक है कि उस समय पंजाब दे विच जिहड़ियां होर भी कलोनिया दीआं इदां ही रजिस्ट्रियां होईआं उन्हां दे विच भी ये कबले जूद होए होणगे। सो असी वह भी सारा कलैक्ट कर रहे हैं, पंजाब विच जिन्नियां भी शहरां तो बाद कलोनिया बनिया पिछले 15 सालों सब दियां जमीनां असी चैक कर रहे हैं कि उन्हां दियां जमीनां वाकई वेगियां जां रह गईआं जां उन्हां ने जिहड़े प्रॉपर्टी वाले सीगे जिहड़े कलोनिया कटदे आ कि उन्हां ने मल लिया। सो मैं तुहानूं यही इनफॉर्मेशन देनी सीगी कि एक मिनट आ पेज आ खोलो फाइल खोलो, बस मैं तुहानूं साइन दिखाउणे आ तृप्त रविंदर बाजवा जी दल की राज दे विच इहदी स्टार्ट होई सर तृप्त रविंदर बाजवा जी दे साइन कर रहे थे 11 मार्च नूं, ते तुहानूं अजे कोई शक रह गया कि इहदे कोई पोलिटिकल बंदा कौन आ? कौन मालक? कौन है कलोनी मालक? देखो ते कंपनी दे नाते आ, पर ओह मालक आपे तुहाडे सामने आ जाणगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच तुहानूं दस्सांगे। आ आ तृप्त रविंदर बाजवा जी दे साइन, आ साइन तुसीं देखो तृप्त रविंदर बाजवा जी ने साइन कीती है, थले डेट पई है अपने हाथ ने, उन्होंने 11/3/22 डेट पाई है, समझे कि नहीं गल? जिद्दर सरकार हर गई बिलकुल सब ते कार्रवाई करांगे जी, जिन्हां ने कलोनी कट्टी सीगी जिन्हां ने सही रेट नहीं दिता उन्हां ते भी कार्रवाई करांगे, पर पहला साडी कमेटी जिहड़ी 3 मैंबरी बनी है डिपार्टमेंट की रिपोर्ट करूगी, जो भी कार्रवाई करनी पई सख्त तो सख्त कार्रवाई करांगे। ये किदा मतलब जिहड़ा किदा तृप्त रविंदर बाजवा जी ने जो सरकार हर गई जो 11 मार्च का जो कोड ऑफ कंडक्ट सीगा ते किदा उन्होंने साइन करके जमीन नूं जिहड़ा वेचता। ਕਲਿਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 7.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ 1 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਕਿਹਨੇ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਾਰੀ 32 ਕਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ। ਹਾਂ क्योंकि असी कानून की कितने उलंघना नहीं करनी चाहते, पहला डिपार्टमेंट की कमेटी जी इनक्वायरी करूगी, जो इनक्वायरी की रिपोर्ट आ गई 8 दिन का टाइम दिता उन्होंने, कल ही बना के आए 8 दिन के रिपोर्ट जो आई उस तो बाद फिर असी ताडे सामने आवांगे कि असी आ कार्रवाई कर दे। नहीं प्रूफ सामने है, पर कई टैक्निकल चीज़ा ने पूरी जिहड़ियां देखण वालियां, क्योंकि एकदम आपां कल ही तां कर देंगे, उन्होंने मौका भी देना एक आपां कि तुसीं आके मतलब जिहड़ा अपने अपना पक्ष जिहड़ा पेश करो, कलोनी वाले नूं दांगे, इन्हां नूं भी दांगे, फिर इन्हां दी कार्रवाई शुरू करो। टेक्निकली सवाल है कि मामला कदों आया? 21 तरीक अप्रैल जो रजिस्ट्री होगी तो कह बंदे ने कि मीडिया वाले ने मैनूं दिखाया क्या सर कि रजिस्ट्री होगी 19 नूं, मैं तो बड़ा हैरान होया कि जब साडी 19 नूं सरकार बनी 1 महीने बाद कितने रजिस्ट्री करती, फिर जाके सब फाइलां खोलियां कि हो किदां गया, फिर ये सारा रिकॉर्ड कढ़िया पुराना 5 साल का 6 साल का ही लगे रहे उदन दे सारा टोटल जो उस समय DGPO सके उस समय BDO ही उस समय डायरेक्टर सैकटरी जो भी सी जिदी जिदी भूमिका होगी चाहे वह साडा अफसर होगा चाहे वह पोलीटिकल बंदा होगा सब के खिलाफ कार्रवाई कर। देखो जी कमेटी ने सानू कहा ये कैंसल हो सकती जी कमेटी बनाई है 3 मैंबरी जे कैंसल हो सकती तो अभी कैंसल कर देनी जो नहीं करा जी। सर जी कलोनी डिमांड
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਬੇੜੀ ਬੇੜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਡੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀਕ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਸਰਦਰੀ ਵੇਟ ਤੇ ਕਰੋ ਸਹਿਸਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3500 ਏਕੜ ਛਡਾਤੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਮਝ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਠਾ ਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਈ ਲਾਏ ਆ ਕਾਫੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਬਟ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਦੌਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਉਹ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ 6 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸੀਗੀ
6 लाख टोटल होगी। मतलब असी कैलकुलेट किया कि 50,000 के करीब मतलब इदा की जमीन है जी लोगों ने मान वो की हों के जो अगले ने स्टे ले लें फिर साड़ी पहली ड्यूटी नहीं अगर स्टे जरा वो खत्म किया जाए अं खत्म करते हैं DDP की जांच अगला हाईकोर्ट चल जाता अगले को इश्तहार दिता असी हाईकोर्ट चो करते फिर अगला सुप्रीम कोर्ट चल जाता साढ़े बहुत सारे केस मैं तुम्हें कल भी दस्या पहले भी दस्या ही साढ़े को 8,000 एकड़ जमीन के दाखला वारंट है 8,000 जमीन जेडे क्लीयर किए असी सारे बाकी अगर असी कि हाईकोर्ट केस ला रहे हैं कि कोई DDP का चलता कोई कितने चल उस 8,000 चो असी 5,300 एकड़ जी छुड़ाने कामयाब हो गए बाकी भी मैं 2-4 दिन ही छुड़ा।